बात्या दाना को नहीं ओडिशा तत्पर मुखर मुकाबिला पर राज्य सरकार प्रस्तुत बीजेडी देला सतर्क बार्ता। नमस्कार दर्शक, जीटीवी भारत ओडिया न्यूज चैनल को आपन को स्वागत करुछी। मु राम दास चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करंतु, भिडियोटर खबर को शेष जाए देखंतु, गोटे लाइक दे अन्य को शेयर करंतु, आवश्यक स्थले कमेंट कर सचेतन करंतु। ओडिशा रे हईचई सृष्टि करितिबा बात्या दाना बंगोपसागर रे सृष्टि होइतिबा अवपात आज गभीर अवपात रे परिणत हेबो। 23 तारीख आज सकाळे या बात्यार रूप नेब। आसंता काली अक्टोबर 24 राति रे ओडिशा उपकूल पार हेबार संभावना रहिछि। एने शिक्षा व अनुसंधान सहा परिचालित परिवेश व जलवायु केन्द्र सीईसी पक्षरु सूचना दि जाइछि। केन्द्रापड़ा एवं भद्रक जिलार उपकूलवर्ती अंचल रे बात्या लैंडफॉल करिबार आशंका रहिछि बोली सीईसी निर्देशक डॉक्टर शरद चंद्र साहू कहिछंती। समय रे उत्तर आंडामान सागर रे सृष्टि होइतिबा लघुचाप मंगलवार सकाळे अवपात रे परिणत होई पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करूछि। मंगलवार सकाळ 8:30 रे पारादीप ठारु प्राय 700 किलोमीटर दक्षिण पूर्व रे केन्द्रीभूत होइछि बोली से कहिछंती। यार तीव्रता जारी रहिबो एवं अक्टोबर 23 संध्यारे एहा पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर रे एक घूर्णीबल झड़ रे परिणत हेबो बोली आशा करा जाउछि। पर एहा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे आउ 24 घंटा गति करिवार संभावना अछि। यहा परे उत्तर पश्चिम दिगकु गति करि अक्टोबर 24 राति रे उपकूल पार करिवार संभावना अछि। अक्टोबर 24 अपराह्न रे समुद्र रे पवन रे बेग 120 किलोमीटर छुई पारे, किंतु उपकूल पार हेबा बेले सही राति रे ओडिशा उपकूल रे यहार गति 85-110 किलोमीटर को ह्रास पाई पारे बोली पाणिपाग विभाग कर्तृपक्ष सूचना देछंती। बात्या दानार मुकाबिला पई एक प्रस्तुति बैठक पर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी ओडिशार जनसाधारण को कौन कहिछंती शुणंतु। संभाव्य बात्या परिस्थितिर मुकाबिला पई एक समीक्षा बैठक किसी समय पूर्व अनुष्ठित हो जाएगी। उक्त बैठक में राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग माननीय मंत्री मुख्य शासन सचिव एसआरसी और विभिन्न विभाग सचिव और समस्त जिलार जिलापाल माने ये बैठक में उपस्थित थे। वर्चुअल मध्यम से उपस्थित थे जिलापाल माने। पानी पाग विभाग सूचना अनुजाई आज पूर्वाह्न 11:30 समय रे एक लघुचाप सृष्टि होइछि बंगोपसागर रे। एहा अक्टोबर 24 तारीख सकाळे जहाँ आम पाखरे वर्तमान सुधा तथ्य अछि पुरी आउ सागरद्वीप मध्यरे स्थल भागरे अतिक्रम करिवार संभावना अछि। एवं ए जो बात्या जार नाम दिया जाए छी दाना ये 110-120 भितरे तहार गति बेग 1 किलोमीटर बेगरे जीवार संभावना अछि। एवं सेथिरे मु आपण मानको समस्त को जणे देबा पई चाहे जे सेथि पई आज जो प्रस्तुत बैठक थिला एवं ये प्रस्तुति बैठक रे समस्त कथा को आलोचना करा जाइछि। एवं सेथि पई सरकार संपूर्ण भाव रे प्रस्तुत अछंती एवं ये बात्या पई विशेष करिकि जनसाधारण को सूचाइ देबा पई मु चाहूछि जे एथिरे भयभीत हेबार नाही एवं एथिरे जीरो कैजुअलिटी निश्चित भाव रे रहिबो। एवं ता सहित मध्य आमर जो अग्निशम बाहिनी ओडराव टीम एनडीआरएफ टीम ये माने समस्ते प्रस्तुत अछंती एवं सबु संभाव्य प्रस्तावित अंचल को चिन्हट करा जाई 100% इवाकुएसन करा जिवो। सबु बात्या आश्रयस्थली
को समस्त आवश्यक व्यवस्था एवं जरूरी कालीन सामग्री सबू यथा समय पूर्व से प्रस्तुत करके रखा जिवो बात्या परे तुरंत जेपरी अवरोध दूर हो पारिबो एवं अत्यावश्यक सेवा मध्य आहुरी अधिक आवश्यक होले जुगे दिया जाई पारिबो ता उपरे मध्य आजर बैठक में गुरुत्व आरोप करा जाई विशेष करके एथिरे विद्युत पानीय जल टेलीफोन एवं जोगाजगर व्यवस्था को तुरंत केमिति ता कार्यकारी करा जाई पारिबो ता उपरे मध्य आज बैठक में आलोचना करा जाई हॉस्पिटल गुड़ी करे निरविच्छिन्न भाव में विद्युत सेवा जोगाई देवा आउ सेतिपाई मध्य आवश्यक प्रस्तुति हेबा ता उपरे मध्य निर्देश दिया जाई बात्या समय अत्यावश्यक खाद्य सामग्री दर बहु समय कृत्रिम भाव माने एथिरे दर वृद्धि करा जाई थाए एवं सेतिपाई जो कला बजारी हुए ता उपरे मध्य नजर रखिया पई संपृक्त विभाग को एथिरे निर्देश दिया जाई छी एणु एथिरे संपूर्ण भाव में आपण मानकर जरिया रे ये समस्त खबर को आमर प्रस्तुति को जेभली भाव में आपण माने कम्युनिकेट करिवे बा जणाई देबे मु आशा करूछि निश्चित भाव एथिरे जीरो कैजुअलिटी हेबा सहित संपूर्ण भाव में प्रभावित अंचल को एथिरे शत प्रतिशत इवाकुएसन करा जिवो से प्रकार उपरे सरकार संपूर्ण भाव में नजर रखिछन्ति भुवनेश्वर सहर एवं निकटवर्ती अंचल रे 24 अक्टोबर राति रे 55 रु 70 किलोमीटर एवं 25 अक्टोबर रे ब्रह्मपुर रे 45 रु 55 किलोमीटर बेग रे पवन रे बेग बही पारे जहां विलंबित राति पर्यंत अनुभूत हेबो बात्या दाना संपर्क रे बीजेडी नेत्री प्रेस वार्ता रे कौन कहिसंती सुनंतु बात्या आसुची दाना आपण माने जानिथिबे समस्ते सेटा को भी भारी क्लोजली ऑब्जर्व करचोंती ताको कवर करुचंती परिप्रेक्षीरे आमर नेता विजु जनता दलर सभापति विरोधी दल नेता एवं पूर्वतन मुख्यमंत्री माननीय नवीन पटनायक आम समस्त को निर्देश देचंती जे सर्वप्रथमे महाप्रभु जगन्नाथ आगरे प्रार्थना करचंती समस्ते सुरक्षित रुहंतु राज्यर जन जीवन संपत्ति सब सुरक्षित रहु आउ बहुत क्षय क्षति कहार न हो ता सहित दलर समस्त कर्मी जिए निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुवंतु बा दलर पदाधिकारी हुवंतु प्राय एक कोटीर ऊर्धरु अछंती दलर कर्मी विभिन्न स्तर रे राज्यरु नैकी जिल्लारु नैकी ब्लॉकरु पंचायत पर्यंत समस्त को माननीय नवीन पटनायक आह्वान करिछंती जे बात्या दाना आसिला परे निजर जनजीवन सुरक्षा देखि सारला परे आमे समस्ते समाज को राजरास्ता को ओल्हेबा एवं आमर साई पड़िसा बंधु बांधव समस्तंकर सुरक्षा सहायता करिबा सह जनसाधारण को सहायता रे निजकु नियोजित करिबा पूर्वतन मुख्यमंत्री बीजेडी सुप्रीमो तथा सभापति बीजेडी श्री नवीन पटनायक राज्यवासी को बात्या दाना संपर्क रे ओडिसा वासी को पाए कौन कहिसंती सुनंतु बात्या रो मुकाबला पाए सरकार पूरा प्रस्तुत अछंती प्रति जीवन आम पाए मूल्यवान शिशु बुढ़ा बुढ़ी विनक्षम बंधु मान स्वतंत्र जत्न लेंतु सरकार को सहयोग करंतु अक्टोबर 22 रो संध्या किंबा राति रे मयूरभंज बालेश्वर भद्रक एवं केउंझर जिला रे मध्यम रो प्रबल वर्षा आरंभ हेबो जहां परदिन पर्यंत जारी रहिबो अक्टोबर 24 अपराह्न भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा खोर्धा कटक पुरी नयागढ़ एवं गंजाम जिला रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होई पारे एवं अक्टोबर 25 अपराह्न पर्यंत जारी रहिबो बोली डॉक्टर साहू कहिसंती ओडिसा उपकूल अतिक्रम करिबा परे एहा दुर्बल होई दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिगरे कोरापुट जिला आड़क जाई पारे एवं अक्टोबर 26 पर्यंत दक्षिण ओडिसा जिले में वर्षा होई पारे बोली से कहिसंती बात्या दाना प्रभाव रे केउ स्थान रे केते बेगरे पवन बहिबो आसंतु जानिबा जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर कटक एवं जाजपुर जिले में पवन रेग रहिबो घंटा प्रति 100 रु 120 किलोमीटर बेग
ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ କେଉଁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନର ବେଗ ରହିବ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60-100 କିଲୋମିଟର ବେଗ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ନୟାଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧ ଦେବଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50-70 କିଲୋମିଟର 23-25 ତାରିଖ ତିନି ଦିନ ଯାଏ 14 ଜିଲ୍ଲାର କଲେଜ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଦାନାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତତ୍ସହ ଆଇଏଏସ୍ କ୍ୟାଡରର 6 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ହେଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇଏଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ମାଝୀ ଆଇଏଏସ୍ ଆଡିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ R&DSଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ବଳବନ୍ତ ସିଂ ଆଇଏଏସ୍ କମିଶନର କମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପୁରୀ ଭିନିତ ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଇଏଏସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର କମ୍ ଆଡିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ସାନିଟାରୀଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ସେହିପରି ଶ୍ରୀମତୀ ଜାମିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଇଏଏସ୍ ଏସ୍ପିଡି ୱେବସନ୍ସଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ବର୍ମା ଆଇଏଏସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଟୁରିଜିମ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଜିଟିଭି ଭାରତ ଓଡ଼ିଆ ଖବରଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଖବରରେ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ନମସ୍କାର